सोलन शहर में नगर परिषद की लापरवाही के चलते अवैध निर्माणों यानी नियमों को ताक पर रखकर बनाए गए भवनों की भरमार है। नगर परिषद को इसकी जानकारी भी है, लेकिन आज दिन तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। भाईचारा निभाने के लिए या जेबे गर्म होने के कारण शायद नोटिस देकर अपना पल्ला छाड़ते रहे, लेकिन अदालत से आदेश आने के बाद मानो नगर परिषद में भूचाल सा आ गया हो। क्योंकि हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार जल्द नगर परिषद द्वारा कार्रवाई अमल में न लाए जाने पर नगर परिषद भंग करने के आदेश भी जारी किए गए थे। हाईकोर्ट के आदेशों के बाद नगर परिषद ने अवैध भवन मालिकों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आज आपातकालीन बैठक बुलाई। जारी किए गए नोटिस पर अब 20 दिन का समय 44 लोगों को दिया गया है। अगर वह इस बीच अपने अवैध भवन को नहीं तोड़ते हैं तो नगर परिषद अपने स्तर पर तोड़ेगी। आपात बैठक के बारे में जानकारी देते हुए नगर परिषद अध्यक्ष दविंदर ठाकुर ने कहा कि अवैध भवन निर्माण करने वालों को नोटिस दिए जाएंगे, साथ ही 20 दिन का समय अवैध निर्माण को तोड़ने का दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि आदेश की पालना न करने वालों के अवैध निर्माण नगर परिषद द्वारा गिराए जाएंगे। हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार हमने आपातकालीन बैठक बुलाई थी, जो सभी पार्षदों ने इसमें अपने अपने विचार रखे और निष्कर्ष ये निकाला गया कि हम जो मालिक हैं उनको नोटिस देंगे कि जो अनऑथोराइज कंस्ट्रक्शन उन्होंने की है उसको डेमोलिश कर दें, उसको गिरा दें। उससे ऐसे केस भी है जो रिटेंशन पॉलिसी के तहत दिए हैं और जो मैटर भी सब जुडिस है। बाकी अगर वो 20 दिन के अंदर इस कंस्ट्रक्शन को अनऑथोराइज को डेमोलिश नहीं करते तो 20 दिन के अंदर अंदर हमारे जेईस जो नगर परिषद के हैं उन चीजों का साइट प्लान बनाएंगे और फिर नगर परिषद अपने तौर पर उस अनऑथोराइज कंस्ट्रक्शन को हटा देंगे। अब देखना होगा कि अदालत के आदेशों का नगर परिषद कितनी संजीदगी से पालन करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल सोलन।